841 वैकेंसीज, 841 वैकेंसीज ऑफिस असिस्टेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी नोटिफिकेशन जारी किया है और हम बात कर रहे हैं सैलरी पर्क्स एग्जाम पैटर्न प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसे आप ये जॉब पा सकते हैं। जैसा हम बार बार बोल रहे हैं नौकरी आती रहेंगी, ये भी 2020 की वैकेंसीज हैं। लास्ट ईयर कोरोना के चलते रिक्रूटमेंट कहीं हुए नहीं है तो और भी जगह आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, आपको लेकिन प्रिपरेशन करनी है। आप सारा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़िए, इस वीडियो को अच्छी तरीके से सुन लीजिए, कोई और प्रश्न होगा तो आप अपने कमेंट में पूछ सकते हैं। छोटी छोटी गलतियां करके आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए। रीड द नोटिफिकेशन वेल। यहाँ पर आप देख रहे हैं 841 वैकेंसीज टोटल, और ये वैकेंसीज अलग अलग ऑफिस वाइज हैं, स्टेट वाइज आपको अप्लाई करना होगा। मैं डिटेल में आता हूँ। जैसे कि आरबीआई का हेड ऑफिस मुंबई में है तो 202 सबसे ज्यादा वैकेंसीज वहां पर हैं, कि वहाँ सेंट्रल ऑफिस भी है और रीजनल ऑफिस भी है। उसके अलावा आरबीआई का ऑफिस नागपुर में भी है, नागपुर की अलग से वैकेंसी 55 लिखी हुई है। चेन्नई हैज ऑल्सो गुड नंबर ऑफ वैकेंसी 71, और कानपुर में 69, हैदराबाद 57, न्यू दिल्ली 50, अहमदाबाद 50। लाइक वाइज यू कैन चेक द डिटेल्स ऑल्सो द रिजर्वेशन फॉर वेरियस वैकेंसीज। जहां तक बात सैलरी की आती है तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी आएगी वो आएगी अभी 26,508 रुपीज, और अप्रोक्सीमेटली ये हर बार डीए बढ़ने से हर 3-4 महीने में बढ़ जाती है। तो आप मान लीजिए 27,000 अगर ये आ रही है। इसके अलावा आपको पर्क्स मिलते हैं, जैसे मेडिकल रीइंबर्समेंट आपके लिए, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए सारी मेडिकल सुविधाएं आरबीआई में हैं। रीइंबर्समेंट ऑफ एजुकेशन एक्सपेंसेस बच्चों की पढ़ाई के लिए भी, इवन स्पेक्टिकल्स, आप जो चश्मा पहन रहे हैं, बुक ग्रांट, न्यूज़पेपर बिल, घर की फर्निशिंग के लिए जो सोफा, पर्दे, टेलीविजन, कार इंश्योरेंस का भी रीइंबर्समेंट हो जाता है, कन्वेंस अलाउंस मिलता है ऑफिस आने के लिए, लीव फेयर कंसेशन भी मिलता है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे अलाउंसेज हैं। केवल सैलरी की अगर मैं बात करूं, आरबीआई में अभी जो 11th बाईपार्टेड सेटलमेंट हुआ है बैंकों में, 15% के आसपास हाइक हुआ था। 10% एक जनरल नंबर है, किसी कैडर में वो 20 भी हुआ है, किसी में वो 10 भी हुआ है, बिकॉज वो स्केल वाइज वेरी करता है। आरबीआई में अभी जो सेटलमेंट है वो हुआ नहीं है, हमेशा ऐसे ही होता है, पहले बैंकों में होता है उसके बाद आरबीआई में होता है। तो यहीं पर आप मान लीजिए ये सैलरी बढ़ के आपकी 32-33 हजार में पहुंच जाएगी, और पक्स वगैरह भी है, उन सब की अगर आप वैल्यू लगा लेंगे तो आपको 40-50 थाउजेंड किस शहर में आप रह रहे हैं उस हिसाब से इसमें कॉस्ट टू कंपनी बेसिस पे आएगा। इनहैंड सैलरी की मैं बात नहीं करता, मुझे वो कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता, क्योंकि जो टैक्स कटने हैं वो सरकार की ओर से कटने ही है, चाहे आप प्राइवेट जॉब में हो या सरकारी नौकरी में। और जो आपको रीइंबर्समेंट मिलते हैं, जैसे मेडिकल रीइंबर्समेंट, बुक, फर्नीचर, इनकी तो मनी वैल्यू है, तो इसको हम कैश में कैसे काउंट ना करें। नहीं, इम्पोर्टेंट डेट, आप आज से लेकर 15 मार्च तक अप्लाई कीजिए। मैं आपको वार्न करना चाहूंगा, लेट मत कीजिएगा, बाद में कई बार सर्वर पर प्रेशर आता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके इंटरनेट के इशू हो सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए। ऑनलाइन एग्जाम की जो डेट है, टेंटेटिव डेट लिखा है आरबीआई ने, वो है 9 और 10 अप्रैल, तो आपके पास तैयारी के लिए भी समय है। एलिजिबिलिटी को बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक इंटरेस्टिंग चीज है जो ज्यादा क्वालिफाइड है वो एलिजिबल नहीं है। मैं आ रहा हूँ इस पे, आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25 साल। अगर आप 2 फरवरी 1996 से पहले बॉर्न है या 1 फरवरी 2003 के बाद बॉर्न है तो आप एलिजिबल नहीं है। डिफरेंट कैटेगरीज में कास्ट के लिए एससी, ओबीसी या पीडब्ल्यूबीडी या एक्स सर्विसमैन के लिए जो रिलैक्सेशन है, जैसे यहाँ 30 इयर्स या अप टू 28 इयर्स, ये आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से, विडोज, डाइवोर्स्ड वुमन, सेपरेटेड वुमन, उनके लिए भी 10 साल की यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है, जो ग्रेजुएट हैं, ये ध्यान रखिए, ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हायर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल, क्लियरली लिखा हुआ है। एनी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एज ऑन February 1, 2021 10th पास एलिजिबल हैं। अब अगर 12th पास हैं तभी भी आप एलिजिबल हैं, आपने पॉलिटेक्निक किया, डिप्लोमा किया, आईटीआई किया है तभी भी आप एलिजिबल हैं। और ऑफकोर्स ये कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए, स्टेट बोर्ड, यूनिटरी बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड, सीबीएसई वगैरह जो भी है, और जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वहां की जो लैंग्वेज है,
अभी मानता हूँ एलटीबी पे, उसमें आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज में आपको आना चाहिए। ये आपका रहेगा एग्जाम पैटर्न, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जगह क्या बोला है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो आपको बहुत कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे वो टाइम एंड वर्क के या मेंसुरेशन के, लेकिन उड़ा भाग करना आना चाहिए, हिंदी में बोलते हैं ना, कैलकुलेशन आनी चाहिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी। 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स के, 1.5 आवर का एग्जाम है, और हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषाओं में एग्जाम होगा, निगेटिव मार्किंग भी होगी, और आपको एक मिनिमम मार्क्स लाने होंगे, कट ऑफ इसके बेसिस पे डिसाइड होगा, और उसके बाद होगा आपका एलटीपी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और जो क्वालिफाइंग है, एलटीपी के मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में नहीं जाएंगे। कैंडिडेट नॉट क्वालिफाइंग एलपीटी शेल नॉट बी कंसिडर फॉर सिलेक्शन, क्लियरली लिखा हुआ है। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको जरूरी है पास करना। किस लेवल के इतने क्वेश्चंस आएंगे, इसके मॉक टेस्ट आप ixamBee www.ixambee.com पर जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट अपनी लोकल लैंग्वेज में, जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे, जिस ऑफिस के लिए आप अप्लाई करेंगे, जैसे अहमदाबाद में करेंगे तो गुजराती में देना होगा, बेंगलोर में करेंगे तो कन्नड़ में, भोपाल में करेंगे तो हिंदी में, भुवनेश्वर में करेंगे तो उड़िया में, चंडीगढ़ में करेंगे तो पंजाबी या हिंदी, किसी एक में देना होगा। सेम गुवाहाटी में करेंगे तो आसामी, बंगाली, खासी, मणिपुरी, बोडो या मिजो में से किसी एक में देना होगा। और एलपीटी मैंडेटरी है। फाइनल सिलेक्शन में आपका एलपीटी मेडिकल फिटनेस और सारे जो सर्टिफिकेट्स उनको वेरीफाई किया जाएगा, आपका बायोमेट्रिक वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि अप्लाई करते वक्त आपको सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना है। अगर आपने कुछ भी गलत डिक्लेरेशन दिया, आप जेन्यून नहीं पाए गए, तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है और आपका कैंडिडेटर तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो बहुत केयरफुल रहिए कि कोई भी चीज आपको गलत डिक्लेरेशन नहीं करना है। बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आपकी ली जाएगी, जिस समय आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, वो थंब इम्प्रेशन भी हो सकता है, आईरिस स्कैन भी हो सकता है, जैसा बैंक की जरूरत होगी। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए कराई जाएगी, जैसे कि आजकल आप ग्रेड बी के लिए देख रहे होंगे हो रही है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेट दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्मेट, और आपको अप्लाई करना है मैक्सिमम 15 मार्च तक, लेकिन वेट मत कीजिए, RBI की वेबसाइट पर जाके आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। और टेस्ट फीस, एप्लीकेशन फीस जो है आपकी 450 रुपीज है, जनरल EWS और OBC के लिए, और SC ST PWD एक्स सर्विस मैन के लिए 50 रुपीज है। कैंडिडेट केवल एक ही ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिस ऑफिस में आप अप्लाई करोगे, सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आपको जाके वो एग्जाम देना होगा। अगर आप अहमदाबाद ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको गुजरात, दमन या दीव में जाके ही एग्जाम देना है। एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त आपकी जो डिक्लेरेशन है उनको बैंक सही मान रहा है, लेकिन जैसा मैंने बोला, अगर आप कुछ गलत डिक्लेयर करेंगे तो आपका कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएगा। आप खुद अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिए, मैंने डिस्कस किए हैं, कुछ प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं, और आपको कॉल लेटर भी डाउनलोड करने होंगे बैंक की वेबसाइट से। ऑफ कोर्स एग्जाम में आपको अपने खर्चे पर अपीयर होना है। आपको कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके ixamBee की वेबसाइट पे और इस वीडियो के एंड में, और आप RBI को भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये लिंक दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, किसी भी क्वेरी के लिए। ixamBee पे आपको एक्सपर्ट फैकल्टी मिलती है, जिन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम RBI ग्रेड बी, बैंक, PO, SSC, CAT, GMAT निकाले हुए हैं, उनकी हेल्प से आप तैयारी कर सकते हैं। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, लाइव क्लासेस मिलती हैं। कोई भी प्रश्न हो तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं 9205524028 पर, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या SMS कर सकते हैं। और आगे की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।